लाइट केमिस्ट्री के सिलसिले में टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लक्स रेशो। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि रिफ्लक्स रेशो क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं और इसके यूजेस क्या है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। कंसिडर ए डिस्टिलेशन कॉलम। एक डिस्टिलेशन कॉलम को कंसिडर करें। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर डिस्टिलेशन कॉलम। इट इज़ प्रोवाइडेड विद प्लेट्स। नाउ डिफरेंट प्लेट्स से प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल एक बाइनरी लिक्विड है ए प्लस बी, इसके दो कंपोनेंट है और हमने बी कंपोनेंट को ऐसे सेपरेट करना है, जबकि बी कंपोनेंट इज़ मोर वोलेटाइल देन ए। हम इसको पीट करेंगे किलोमोल पर हावर में, इस डिस्टिलेशन कॉलम को। नाउ चूंकि टेम्परेचर इस डिस्टिलेशन कॉलम का ऊपर की तरफ कम हो रहा है, तो जिस वेपर्स ऊपर की तरफ जाएंगे और जो वेपर्स कंडेंस होंगे वो नीचे की तरफ एज ए लिक्विड हासिल होंगे। नीचे की तरफ से हमारे पास सारा लिक्विड होगा जिसको डिस्टिलेशन कॉलम से लेके इसको दोबारा बॉयल किया जाता है और डिस्टिलेशन कॉलम में एंटर किया जाता है ना, और हम इसको बॉटम प्रोडक्ट कहते हैं। टॉप पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो मोस्टली वेपर्स फॉर्म में होती है और हम इसको वेपर प्रोडक्ट कहते हैं। वेपर प्रोडक्ट को हम कंडेंसर से पास करते हैं तो वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। नाउ इस वेपर्स को हम एज ए प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या हम इसको दोबारा डिस्टिलेशन कॉलम में एंटर करते हैं। अगर हम वेपर्स को कंडेंस करने के बाद दोबारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में या डिस्टिलेशन कॉलम में एंटर करें तो हम इसको रिफ्लक्स कहते हैं, और अगर हम इसको एज ए डिस्टिलेट एज ए प्रोडक्ट ले लें तो इसको हम डिस्टिलेट कहते हैं। तो रिफ्लक्स रेशो असल में क्या है? वो अमाउंट जो आपने वापस डिस्टिलेशन कॉलम में एंटर किया है और वो प्रोडक्ट जो आपने इस डिस्टिलेशन प्रोडक्ट से लिया है। जाहिर है जो हमारे पास डिस्टिलेट है इट विल बी मोर रिच इन बी एंड लेस विल हैव लेस अमाउंट ऑफ ए। सो नाउ रिफ्लक्स रेशो क्या होगा? रिफ्लक्स रेशो इज द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ द लिक्विड फीड बैक टू द कॉलम। मैंने आपको बताया कि जो वेपर्स कंडेंस होते हैं उसको या वापस उसका कुछ हिस्सा आप डिस्टिलेशन कॉलम में वापस एंटर कराते हैं और कुछ को एज ए प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। सो किसके दरमियान रेशो है? द रेशो रिफ्लक्स रेशो इज द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ द लिक्विड फिट बैक टू द कॉलम एज ए रिफ्लक्स टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड विदड्रॉन एज ए डिस्टिलेट। राइट, यू कैन सी है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि रिफ्लक्स रेशो हमारे पास किसके बराबर है? अमाउंट ऑफ लिक्विड फीड बैक टू द कॉलम एज ए रिफ्लक्स एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड विदड्रॉन एज ए डिस्टिलेट। आर रिफ्लक्स रेशो हमारे पास एल और डी के बराबर है, वेयर एल हमारे पास क्या है? वो रिफ्लक्स है जो आप दोबारा डिस्टिलेशन कॉलम में पेट करते हैं। सो रिफ्लक्स रेशो को अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो क्या होगा? यू कैन सी है, इट इज ए रेशो बिटवीन हाउ मच लिक्विड इज सेंड बैक टू द कॉलम एंड हाउ मच लिक्विड इज टेकन एज ए डिस्टिलेट। राइट, तो कितना आपने डिस्टिलेशन कॉलम से को वापस किया है वेपर्स कंडेंसेशन के बाद और कितना आपने लिया है, ये इसका रेशो है। अब रिफ्लक्स रेशो चूंकि रेशो है तो हम इसको मेनली तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है टोटल रिफ्लक्स, एक होता है मिनिमम रिफ्लक्स, एक होता है ऑप्टिमम रिफ्लक्स। देखिए यहाँ पे टोटल रिफ्लक्स क्या होगा? अगर वेपर्स कंडेंसेशन के बाद टोटल दोबारा डिस्टिलेशन कॉलम में इंट्रोड्यूस किया जाए और कोई डिस्टिलेशन इससे नहीं लिया जाए तो इसको हम टोटल रिफ्लक्स कहेंगे। तो इस केस में डिस्टिलेशन डी हमारे पास किसके बराबर होगा? जीरो, क्योंकि हमने इससे डिस्टिलेट नहीं लिया, और एल हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो हमारा मैथमेटिकली क्या होगा? अगर हमारे पास आर इज एल ओवर डी है
तो हमारे पास डी ज़ीरो है क्योंकि हमने कोई डिस्टिलेट नहीं लिया, और एल हमारे पास मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है कि आर हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। और हमारे पास एफ मतलब क्या है, फीड है, जो मैंने आपको शुरू से, तो फीड भी चूंकि आपने दोबारा वो सारे का सारा एंटर किया है तो आपको एक्स्ट्रा फीड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है मिनिमम रिफ्लेक्स। मिनिमम रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि कि यहाँ पे आप बहुत कम वापस एंटर करें या ज़ीरो रिफ्लेक्स वापस एंटर करें और सारा के सारा ले, तो यहाँ पे डी हमारे पास मैक्सिमम होगा और एल ज़ीरो होगा, राइट। थर्ड है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब क्या है कि आप एक खास पोर्शन वापस एंटर करें और कुछ वापस ले, राइट। तो ये तीनों रिफ्लेक्स रेशो आप ले सकते हैं, राइट। अब इन तीनों का फायदा क्या होगा? टोटल रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी। आपने जो वेपर्स कंडेंस किया है, अगर आप उसको दोबारा दोबारा डिस्टिलेशन कॉलम में एंटर करेंगे तो उसका सेपरेशन चांस ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। मिनिमम रिफ्लेक्स के नतीजे में आपने वेपर्स को सारे के सारा लिया तो इसकी बी कंपोनेंट की प्योरिटी कम होगी। ऑप्टिमम रिफ्लेक्स में आपके पास यू कैन गेट ए रीजनेबल प्योर प्रोडक्ट, राइट। अब रिफ्लेक्स रेशो का असर पड़ता है नंबर ऑफ प्लेट्स पे। देखिए यहाँ पे दोबारा इसको, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स हैं। नंबर ऑफ प्लेट्स जितने ज़्यादा होंगे जाहिर है वो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, राइट। अगर आप टोटल रिफ्लेक्स ले सारे के सारा वापस इंट्रोड्यूस करें तो फिर क्या होगा, हमारे पास सेपरेशन का चांस ज़्यादा होगा। तो थ्योरेटिकली रिफ्लेक्स रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना हमें नंबर ऑफ प्लेट्स लेस रिक्वायर्ड होंगे। टोटल रिफ्लेक्स रेशो में हमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड होंगे। मिनिमम रिफ्लेक्स रेशो में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड होंगे। और ऑप्टिमम रिफ्लेक्स रेशो में हमें यू कैन से हम ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिक्वायरमेंट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्स रेशो से हम क्या मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स के कितने प्लेट्स ज़रूरी है। जितना रिफ्लेक्स रेशो ज़्यादा होगा उतने सेपरेशन के चांसेस ज़्यादा है, उतना एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। तो यू कैन सी है टोटल रिफ्लेक्स रेशो में नंबर ऑफ प्लेट्स मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे, मिनिमम रिफ्लेक्स रेशो में नंबर ऑफ प्लेट्स मैक्सिमम रिक्वायर्ड होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेट्स यहाँ मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे, और यहाँ पे इट विल डिपेंड के रिफ्लेक्स रेशो आपने रिफ्लेक्स रेशो कितना लिया है। अब रिफ्लेक्स रेशो से आप एक और बात भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या है, यू कैन सी फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी मालूम कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि वो कॉस्ट जो आपने डिस्टिलेशन प्लांट को डिज़ाइन करने और इसके प्रिपरेशन में लगाया है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है कि आप जब डिस्टिलेशन प्रोसेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका कितना खर्चा फ्यूल का हो रहा है, कंडेंसर पे हो रहा है। तो नंबर ऑफ प्लेट्स जितने कम होंगे उतना फिक्स्ड कॉस्ट जाहिर है डिस्टिलेशन प्रोसेस पे कम होगा। अब राइट, तो टोटल रिफ्लेक्स रेशो में फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कम से कम होगा लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि हम सारे के सारा प्रोडक्ट दोबारा एंटर कर रहे हैं, हमारे पास ऑपरेटर ज़्यादा होगा, बॉयलर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। और मिनिमम रिफ्लेक्स रेशो में फिक्स्ड कॉस्ट तो ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्लेट्स ज़्यादा होंगे, लेकिन चूंकि हम प्रोडक्ट को दोबारा दोबारा एंटर नहीं करते तो इसलिए हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होंगे। तो फिक्स्ड और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी रिफ्लेक्स रेशो पर डिपेंड करता है, राइट। रिफ्लेक्स रेशो के यूजेस क्या है, लेट्स से द डाउन फ्लोइंग रिफ्लेक्स लिक्विड प्रोवाइड कूलिंग। जाहिर है जब आप कंडेंस
वेपर्स को एंटर करेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा और वो कूल होगा। तो कूलिंग एंड कंडेंसेशन, तो जो गर्म वेपर उसके साथ मिक्स होंगे तो वो क्या होगा, इट विल बी आल्सो कंडेंस, तो सेपरेशन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ऑफ द अपफ्लोइंग वेपर्स देयरफॉर इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम, द मोर इज रिफ्लक्स सेंड बैक टू द सिस्टम द मोर विल बी सेपरेशन। चूँकि बार बार आप एक दफ़ा आपने सेपरेशन किया और सारा के सारा डिस्टिलेट ले लिया तो सेपरेशन की एफिशिएंसी इतनी नहीं होगी, राइट। रिफ्लक्स रेशो हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम, जिस तरह मैंने बताया कि टोटल रिफ्लक्स रेशो में नंबर ऑफ प्लेट्स कम होंगे, मिनिमम में ज़्यादा होंगे और ऑप्टिमम में डिपेंड करेगा कि रेशो आपने कितना लिया है। सो फॉर ए गिवन डिजायर सेपरेशन द मोर इज द रिफ्लक्स रेशो द फ्यूअर विल बी थ्योरिटिकल प्लेट्स आर रिक्वायर्ड, राइट। तो रिफ्लक्स रेशो डिस्टिलेशन प्रोसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट डिज़ाइनिंग ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम, तो उसमें ये कंसेप्ट रिफ्लक्स रेशो का यूज़ होगा, तो इसलिए मैंने इसको पहले डिस्कस किया है, राइट। इसके अलावा रिफ्लक्स रेशो का यू कैन यूज़ इट इन केमिस्ट्री, प्रिपरेटिव केमिस्ट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक डिस्टिलेशन प्रोसेस में रिएक्टेंट लिए हैं तो रिफ्लक्स रेशो उस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर रिफ्लक्स रेशो मिनिमम लेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट इतना नहीं बनेगा, क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट ने रिएक्शन नहीं किया होगा। अगर आप इसको बार बार डिस्टिलेशन कॉलम में एंटर करेंगे तो आपके पास रिफ्लक्स रेशो ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, मोर एंड मोर टाइम विल बी अवेलेबल फॉर द रिएक्शन, सो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा और सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।